हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने की थी, क्या किया था? कटिंग, वो भी जो बेडिंग वेयर होता ना बेलवेट का, उसकी कटिंग की थी। तो आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो वो वाला देख लो आप कौन सा है। वैसे तो आप लोगों ने कल कटिंग देखी थी, जिसने नहीं देखी है कटिंग, तो फ्रेंड्स जाकर कटिंग देख लीजिए। कटिंग वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिए जाकर। ये है हमारा नायरा पैटर्न का फैब्रिक, वेलवेट का है और इसमें इस टाइप का वर्क दिया है और ये इसमें लेस वगैरह लगनी है। ये हमारी इसकी नायरा कट कुर्ती है और अभी इसकी हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये अपनी चोली है। सबसे पहले चोली बनाएंगे। ये चोली है, ये अपना घेर है दोनों आगे के और ये पीछे का, और ये अपनी स्लीव्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पीछे की चोली बनाएंगे। ये पीछे की गले की जो पट्टी दीदी ने कट की थी, इसको अपन इतना इतना यहाँ साइड से फोल्ड कर देंगे। ये हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हमने ये बैक पार्ट की चोली ले ली है, इसको खोल के सिंगल कर लेंगे। इस पट्टी को इसके ऊपर हमें रख देना है। ये तो शायद अब आपको आने ही लगा होगा, मैंने इतनी सारी बार बता दिया है तो, पर जो लोग नए जुड़े हैं उनको और बता देती हूँ। इसको यहाँ से इतनी दूर से सिलाई लगाना है, जो हम दबाते हैं ना उतना ही दबाकर। ये देखिए, यहाँ की सिलाई हमने लगा दी है। अब इसमें गोलाई है तो हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को ऐसे करना है और यहाँ पर बूट की सिलाई लगा देना है। ये देखिए, यहाँ की सिलाई हमने लगा दी है, तो बैक का गला हमारा रेडी हो चुका है। तो बैक पार्ट तो हमारा रेडी हो गया है। गुम गया बैक पार्ट तो रेडी हो चुका है, वहीं पे रख दिया है मैंने। अब हमने ये ले लिया फ्रंट का गला, तो इसमें हम फ्रंट का गला बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें प्लेन फैब्रिक लिया है, क्योंकि यहाँ पर अंदर अंदर साइड फिर अंदर गला पड़ जाएगा तो चुभेगा, इसलिए मैंने प्लेन छांट के लिया है। बीच में से एक ज्वाइन भी लगाना पड़ा इस वजह से। तो ये गला लिया हमने, यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ से इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। ये वाली सिलाई हमने लगा दी है। अब इतना इतना मार्जिन रख के हम यहाँ से अंदर से और यहाँ बाहर साइड से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमने कर दी है। अब हमें इसको इतना इतना, ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा है, इसको पूरे को फोल्ड कर देना है यहाँ तक। यहाँ से इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद ये हमने जो फ्रंट पार्ट लिया है, इसको सीधा करके रख लेना है और इसमें हमें सेंटर का निशान लगा लेना है। देखिए लग गया। इसके बाद ये लिया हमने, यहाँ पर इसको रख दिया। रखने के बाद देखिए, दीदी ने आपको बताया था यहाँ तक अपन ने 2.25 फैलान रखी थी, इसको हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो ये 2.75 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे और सिलाई हमें बिल्कुल यहाँ बराबरी से लगानी है, इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है और यहाँ दूर भी नहीं करनी है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल बगल से मैंने इसको अटैच कर दिया है और बकरम के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं चढ़ाई है। अब जैसे ये है, इसकी बराबरी से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दी है, यहाँ पर तीनों में कट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको पलट के उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद इसको हमें पट्टी, ये जो हमारा बकरम है, इसको पीछे साइड करना है। इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है, पूरा पीछे साइड कर देना है और बिल्कुल यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे में इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए, और अब आप लोग सोच रहे हो उसको ऐसे अटैच क्यों किया है, क्योंकि वैसे अपन लोग जब भी बकरम का गला बनाते हैं तो ऐसे यहाँ पॉइंट की सिलाई लगा लेते हैं और फिर एक बूट की लगा देते हैं, लेकिन इसमें मैंने इसको पूरा अटैच करके इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे तावीज गले में नीचे तक लेस लगना है इसमें। तो अभी हमें इसको लेस लगाना है, तो लेस लगाना है तो इसमें ये वाली ये लेस लगना है, ये गोल्डन कलर की, तो गोल्डन गिट्टी लगाना पड़ेगी और फिर स्लीव्स में भी गोल्डन लेस लगना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी गले में और स्लीव्स में साथ में लगा लेंगे, एक ही बार गिट्टी लगाना पड़ेगी, इसलिए पहले स्लीव्स मोड़ लेते हैं, फिर अपन गिट्टी लगाकर लेस लगा लेंगे आस्तीन पे भी और गले पे भी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने स्लीव्स ले ली है, फुल वाली हमारी स्लीव्स थी वो। देखिए यहाँ से हमने एक सिंगल ली, सिंगल के बाद इसको यहाँ से एक, ये दीदी कट भी लगाया था ना, घूमी गएगा यहाँ से एक, तो ये दो पल्टी में यहाँ से लेके यहाँ तक मोड़ देंगे और नीचे वाली स्लीव्स को भी मोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दोनों स्लीव्स मैंने फोल्ड कर दी हैं और अब हम गोल्डन गिट्टी लगा लेते हैं और आस्तीन में और गले में दोनों साइड लेस लगाने के लिए। यही होती है फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक जल्दी काम करने की, बार बार नहीं लगाना। बार बार लगाओ, देखो पहले अपन ने गले के लिए लगा ली, फिर उसके बाद शोल्डर जोड़ लिए, फिर आस्तीन के लिए गिट्टी लगाओ गोल्डन वाली, बार बार यही करते रहेंगे तो फिर देर होती है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी काम करने का यही सबसे आसान रास्ता होता है। दो दो तीन तीन काम एक साथ करते चले अपन। ये लेस का हमें सीधा उल्टा देख लेना, सीधी साइड से लगाना है, उल्टी साइड से नहीं लगाना। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर और ऐसे ही हम इस वाली स्लीव्स में भी दोनों स्लीव्स में ये लेस लगा देंगे। ये देखिए, दोनों साइड सिलाई लगाकर लेस हमने लगा दी है इसमें, तो स्लीव्स तो हमारी रेडी हो चुकी है। स्लीव्स को हम हटा देंगे, फोल्ड करके रख देंगे। अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है, तो सबसे पहले तो इसमें हम ऐसा सेंटर का एक निशान लगा लेंगे, इसको मिलाकर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको मिलाकर इस तरीके से आपको बीच सेंटर का निशान लगा लेना है। लगाने के बाद इसको कर लेंगे हम सीधा
और सीधा करके मैं 27 गले में आप लोगों को आती होगी लेस लगाना कि कैसे लगाते हैं, अगर नहीं आती हो तो आज सीख लीजिए, मैं अच्छे से आपको क्लियरली बता रही हूँ। ये हमने लेस ली, ये देखिए ये हमारा सीधा है, यहाँ से रखना है, यहाँ तक हमें पहुंच जाना है। ये हमारी जो नोक है ना, यहाँ पर हमें इस तरीके से ये कोना बना देना है। ये बन चुका है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये नोक के पास पहुंच गए और सुई को अंदर कर दिया। अब यहीं से अंदर करके सुई को घुमा दिया हमने कपड़े को, और यहाँ से ऐसे इसलिए इसको घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाया, देखिए अच्छे से आप समझ लीजिए, ऐसी लेस थी, इसको हमने ऐसे घुमा दिया। और ये जो सेंटर का निशान है इसके बिल्कुल बराबरी से इसके ऊपर रखते हुए इसको नीचे ले जाते जाएंगे हम, और यहाँ से आधे इंच ऊपर तक यहाँ से हमें इसको ऐसे नोक बना देनी है। यहाँ से हम इसको ऐसे पलट देंगे तो ये बढ़िया हमारी नोक बन जाएगी। और यहाँ का भी साइज देखना है, दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करनी है हमने, सुई को अंदर रखा है और यहाँ से हमने इस तरीके से इसको लेस को फोल्ड कर दिया, मतलब टर्न कर दिया। यहाँ से ये नोक आ गई, ये लिया हमने, इसको ऐसे मोड़ दिया, हमने ऐसे तो लगा दिए, अब हमें दूसरी सिलाई लगाना है, इसको अच्छे से जमा लेना है। ये देखिए लेस हमने पूरी लगा दी अच्छे से, और इसके बाद हमें यहाँ बीच में इसमें बटन्स लगाने हैं। ये देखिए बटन्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो, इस तरीके की ये बटन्स हम इसमें लगाएंगे, जो कि आंटी लगाएंगी कल आकर। अभी हम इसको आगे बनाते हैं। फ्रंट वाला नेक तो रेडी हो चुका है, बैक पार्ट को हमने सीधा करके इसके ऊपर रख लिया है। इसके बाद ये फ्रंट वाले को हम इसके ऊपर उल्टा करके रख लेंगे, रख दिया हमने। यहाँ से इसको मिलाना है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मिलाया हमने इस पट्टी के बगल से, इसको इसके ऊपर पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से पक्की सिलाई लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और ऐसे ही हमें इस वाले शोल्डर को भी यहाँ पर मिलाना है, इसके ऊपर ये पट्टी पलट देना है, और यहाँ पर भी इसको ज्वाइन कर देना है। दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर दी हैं, इसको हमें यहाँ से खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पर इस पट्टी को लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देनी है कच्ची वो भी। हाँ देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव्स ले लेना है, जो हमने लोगों ने पहले ही रेडी करके रख ली है। ये ली हमने स्लीव्स, ये रहा हमारा गोलाई वाला हिस्सा, यहाँ से हमें लेना है, इसके ऊपर पलट देना है, और जिस तरीके से दीदी ने आपको कटिंग करना बताया था उस तरीके से ये एकदम परफेक्ट आएंगी। थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है इतनी ज्यादा, एकदम परफेक्ट ही आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे कि कोई कोई मतलब कमेंट करके पूछ रहा था कि छोटी बड़ी हो तो क्या करें, तो छोटी तो पढ़नी नहीं है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है मतलब कटिंग करना, जो रहेगा उसका चौथा हिस्सा करना है और एक इंच उसमें प्लस कर देना, तो आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगी स्लीव्स की गोलाई। और अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो लगाने से पहले ही थोड़ा सा उसको कटिंग कर दीजिए, लगाने के बाद भी कटिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही कर लो ना, नाप तो अपन पहले ही लेते हैं। नाप तो अपन पहले ही लेते हैं, तो पहले ही कटिंग कर लो दोनों साइड से नाप के पहले गोल गोल, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये वाली स्लीव्स अपन यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाली जो स्लीव्स है वो अपन इस साइड लगा देंगे। डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स हमने इसमें दोनों लगा दी है, और ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट और स्लीव्स वाला काम अपना पूरा रेडी हो चुका है, मतलब चोली चोली पूरी बन चुकी है। तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है वो ले लेते हैं हमारा घेर वाला। तो ये हमने घेर वाला पार्ट ले लिया, तो वैसे तो आप इसमें ऊपर से या इधर कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपके फूल पत्तियां हो जिनका डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा हो तो फिर आप आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पर हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम आपको बताते हैं क्या करने वाले हैं।
कि हमने इसमें से एक घेर ले लिया, इसको एक को अभी अलग कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम सिंगल। सिंगल करने के बाद यहाँ से ये रीरिंग जो निशान लगाए थे, यहाँ से ये एक ये दो, दो पलटी में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको हम फोल्ड कर देंगे। चौक मोड़ लेंगे मतलब, जैसे चौक और दामन मोड़ते ना वैसे इसको हमें फोल्ड कर लेना है, और ऐसे ही हमें इस वाले को भी कर लेना है। तीन साइड करना है और एक साइड नहीं करना, नहीं करना है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से तीन साइड से इसको फोल्ड कर दिया है, और ये वाला जो एक और पार्ट है हमारा, इसको भी तीन साइड से फोल्ड कर लिया है। बस ये यहीं से, अभी हमने इसको फोल्ड नहीं किया है क्योंकि यहाँ से इसमें चुन्नट बनेगी और चुन्नट बन के यहाँ पर लग जाएगा, तभी तो नायरा जैसा लगेगा ना। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसमें यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह लेस लगाना है। लेस लगाने से पहले मैं एक चीज और बताती हूँ आपको कि यहाँ पर ऐसी हम क्रिस क्रॉस डोरी देंगे, तो क्रिस क्रॉस डोरी देने के लिए हम उसमें आंकड़े लगाना पड़ेंगे, मतलब ऐसी ऐसा जब कुंदा बनेगा तभी तो उसके अंदर डोरी जाएगी, तभी तो फिर ये ऐसा बनेगा। तो इसलिए हम पहले ये वाला जो फैब्रिक है ना हमारा बेल्ट बेल्ट का, इसकी हम ऐसी पतली चपटी वाली पट्टी बना लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये देखिए हमने एक पट्टी बना ली है, इसमें से हमें ढाई ढाई इंच की पट्टियां कट करनी है। ये देखिए ये लिया हमने और ये ले लिया ढाई इंच, ये देखिए ढाई इंच हम कट कर लेंगे इसको, और ऐसे ही इसी के नाप से हम कितनी पट्टियां कट करेंगे फ्रेंड्स, ये 16, क्योंकि एक साइड हम लगाएंगे यहाँ पर चार, एक साइड लगेंगे चार, और ऐसे ही इस वाले पार्ट में चार और चार लगेंगे, तो चार इसकी आठ और आठ उसकी 16, टोटल हमें 16 पट्टियां कट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये पट्टियां मैंने कट कर ली हैं, अब हमें इनको लगाना कहाँ पर है, देखिए यहाँ से ऐसे और ऐसे हमने इसको फोल्ड किया है, और यहाँ पर अभी फोल्ड नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने जो फोल्ड नहीं किया है वहां पर, यहाँ पर हमें इसको लगाना है पट्टियों को। तो ये हमने पट्टी ली, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया, देखिए ये पट्टी, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया, और यहाँ से हमें गैप रख लेना है कितना, तो यहाँ से रखना है 1.5 इंच गैप। ये देखिए ये 1.5 इंच गैप रखा, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से तो हमें 1.5 इंच का क्यों रखना है, क्योंकि आधे इंच सिलाई में दब जाएगा और 1 इंच का ये गैप हमारा आ जाएगा, तो 1 इंच का गैप हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से लेके सभी में हमें 1-1 इंच गैप करना है। ये 1 इंच और कर दिया, ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 निशान लगा दिए, तो ये 4 आंकड़े यहाँ पर लगा देंगे हम। ये देखिए लगाना कितना है, इतना आधे इंच इसको बाहर रखना है, और यहाँ से इसमें सिलाई लगानी है, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर करके इसको इस तरीके से, और जैसे हमने निशान यहाँ पर लगाए हैं 1.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच की दूरी से, ऐसे 1.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच की दूरी से निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1.5 इंच का गैप छोड़ के 1-1 इंच का गैप रख के हमने ये आंकड़े लगा दिए हैं, और यहाँ पे हमने ये आंकड़े जो लगाए हैं हमने ऊपर ही साइड लगाए हैं, जो फैब्रिक का सीधा वाला साइड है ना यहीं पे लगा दिए हैं, और यहाँ पर हमने नहीं लगाए हैं। यहाँ पर हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऐसे लेस लग जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड आंकड़े लगाने के बाद आपको लेस ले लेनी है, आपकी जो भी आपकी लेस हो आप वो ले लीजिए, और यहाँ से आपको रखना है, यहाँ से आप जब लेस रखेंगे तो ये आंकड़े जो इसका मार्जिन जो रहेगा इसमें छुप जाएगा, लेस के नीचे चला जाएगा, तो फिर इसमें यहाँ पे फिनिशिंग आ गई ऊपर साइड और नीचे भी फिनिशिंग आ जाएगी, तो अच्छे लगेंगे, इसलिए हमने ऐसा करा है। यहाँ से हमें ये लेस लगानी है, ऐसे चली जाएगी यहाँ पर, यहाँ से हम ऐसे नॉक बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कोना बनाया, ये लिया यहाँ से इसको थोड़ा सा फोल्ड किया और ये बन गया कोना, और यहाँ से ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम ये लेस लगा देंगे, और हमें लगानी कहाँ पर है, 1, 2 और 3 साइड जहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया था, सिर्फ वही वही लगानी है। और फ्रेंड्स वेलवेट के फैब्रिक पे आपको थोड़ी सी मोटे टांके चलाने हैं, मतलब बहुत छोटे जो बारीक आप कॉटन पे चलाते हैं वो मत चलाइए, और ऐसे पीछे से पकड़ना भी है हाँ लेस लगाते टाइम, नहीं तो लेस में क्या झोल आता है। यहाँ पर जब आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर ऐसे उंगली रख लीजिए और इस तरीके से आप ये कोना बना दीजिए, ये सीधी है, यहाँ पर उंगली रखी और ये मोड़ दिया, बन गया। सुई को अंदर किया और ये इसको टर्न कर दिया, ये देखिए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक तीनों साइड हमने लेस लगा दी है। अब हमें हमारी चोली वाला हिस्सा ले लेना है, ये रही हमारी चोली, ठीक है फ्रेंड। तो चोली में भी हमें ऐसे बीच में से इसको फोल्ड करना है और इसमें सेंटर का कट लगा देना है, ये लगा दिया, ये वाला जो सेंटर का कट है, ये वाला सेंटर का कट और ये वाला सेंटर का कट यहाँ पर आके मिल जाएंगे, और यहाँ की फैब्रिक की चुन्नट यहाँ पर
और इस साइड की फैब्रिक की चुन्नट यहाँ पर ऐसे बनानी है हमें। ये देखिए, ये जो हमारी फिटिंग का कट है, ये वाला कट हमें छोड़ देना है और यहीं से हमें बिल्कुल कट के बगल से इसको रखना है। रख लिया कट के इस साइड, हम इसमें ये फैब्रिक यूज नहीं कर रहे हैं घेर वाला। ये पक्की सिलाई कर ली और यहाँ से हमें थोड़ा सा प्लेन छोड़ देना है ताकि ये लेस के ऊपर चुन्नट ना आए। अब यहाँ से हम इसमें चुन्नट डालेंगे। ये देखिए, ये वाला कट, ये वाला और ये वाला कट, यहाँ पर जब हम एक चुन्नट और बनाएंगे तो ये दोनों देखिए मिल गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा हमारा कट और ये बिल्कुल इसके पास आ गया और ये चुन्नट भी हमारी यहीं पे बन गई और ये अपनी लेस भी प्लेन बच गई है। एक साइड की चुन्नट तो हमने बना ली है, इसी के ऊपर हमें डबल सिलाई कर देना है और जैसे हमने ये बनाएंगे ऐसे ही हम ये एक साइड की और बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें चुन्नट बना दी है और ये हमारी कुछ ऐसी लग रही है। अब यहाँ की भी चुन्नट बन गई, यहाँ की भी बन गई। अब ये लेना है हमें, ऐसे मिला लेना है इसको, ये मिला दिया यहाँ से, ये वाला हिस्सा लिया हमने और यहाँ से बिल्कुल लेस से लेस मिला दी क्योंकि बिल्कुल बगल से ही मिला के हमने सिलाई लगाई थी। और इस ये जो मार्जिन रहेगा ये हमें ऊपर साइड करना है। मार्जिन ऊपर साइड करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ये वाला जो मार्जिन रहेगा इसका भी कट से कट मिलाकर इसका मार्जिन भी ऊपर साइड कर देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी फिटिंग कर देंगे। और ऐसे ही हमें इस साइड मार्जिन से मार्जिन मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फिटिंग कर देना है। देखिए, डबल सिलाई लगाकर यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने इसमें फिटिंग कर दी है। और अब हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन है यहाँ से ऐसे नीचे लटकता हुआ दिखेगा इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमने फोल्ड इसलिए किया है ताकि अब इन फ्यूचर जब अपन इसको लूज करेंगे तो इसको जरा सा एक सिलाई निकालेंगे इतनी सी और यहाँ से इसको लूज कर लेंगे तो एकदम सही आ जाएगा। ऐसे ही हमने इस साइड भी कर दिया है, ये देखिए यहाँ भी ऐसे ही हो गया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा नायरा कट हमारा बन चुका है, बस इसमें एक ही काम बाकी है जो हम कर लेते हैं। ये हमने इसमें डोरी ले ली है जो हमारी 2 मीटर है, देखिए एक, देखिए दो, 2 मीटर हमारी डोरी है और ये हमने 2 मीटर इस साइड के लिए अलग ली है। ये हमने ऐसे लिया, डबल किया इसको और यहाँ से हम इसको क्रॉस में लगाएंगे। ये हमारे ऐसे आंकड़े हैं, यहाँ से हमें ऐसे इसको अंदर करना है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट डालने में ये क्या उबल रही है क्योंकि ये बहुत उबलने वाली डोरिया है ना, इसलिए तो हम इसको ऐसे यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पे। ये मतलब ये क्या है, ये पीछे होल इसका पिन का, सेफ्टी पिन जो होता है ना उसका होल, यहाँ पर इसको हमने ऐसे बांध दिया है। और अब कैसे डालेंगे हम, ये लिया हमने यहाँ से इसके अंदर कर दिया, यहाँ से ये एक और ले लेंगे पिन साइड वाला, यहाँ से इसके अंदर कर दिया। ये दोनों पिन को ऐसे आपस में पकड़ लेना है और यहाँ से ऐसे बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद इस साइड का इस साइड और इस साइड का इस साइड कर दिया हमने, यहाँ वाला लिया और इस साइड क्रॉस में ले जाएंगे इसको और इस साइड वाला लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस में ले जाएंगे। अब इस साइड क्रॉस में और इस वाले को इस साइड क्रॉस में, देखिए इस साइड क्रॉस में, ये हमारी डोरी की क्रिस क्रॉस डिजाइन बन गई है। ऐसे इसको हम बांध देंगे ये। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों डोरियों में लटकन लगाना है और जैसी डिजाइन हमने यहाँ पर बनाई है ऐसे ही हम ये इस साइड वाला ये चौक इसमें भी बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने फैब्रिक ले लिया, इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। ये हमने डोरी ली, यहाँ पर रख दी इसको, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, तिरछे में ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको मार्जिन को लेना है और ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि ये कोना लटके बाहर ना दिखे। इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे, ये हमारा लटकन बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, इस साइड भी हमने लटकन लगा दिए हैं ये, और यहाँ पर भी लग चुके हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा बेलवेट का बेडिंग वेयर नायरा कट रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट करके कि आपको ये बेडिंग वेयर पार्टी वेयर नायरा कट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डिजाइनर टाइप की जो ड्रेसेस होती है उसको बनाने के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।